गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे द वॉरियर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 8 के बारे में। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म द वॉरियर कमाई करने के मामले में बड़ी बड़ी फिल्मों को टक्कर देती नजर आ रही है। फिल्म अपने दूसरे हफ्ते में पहुंच गई है और बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ रही है। जी हां दोस्तों, बात करें फिल्म द वॉरियर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 8 की, तो फिल्म ने अपने डे 8 के अंदर 1.5 से लेकर के 2 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। इसी के साथ फिल्म का अभी तक टोटल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 44 करोड़ का हो चुका है। दोस्तों राम पोसी नैनी की फिल्म एक एक्शन ड्रामा फिल्म है। आपने फिल्म अभी तक देखी है ना देखी, कमेंट में राय जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म कड़वा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 15 के बारे में। बात करें फिल्म कड़वा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 15 की, तो फिल्म कमाई करने के मामले में अच्छी खासी कमाई कर रही है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हिट साबित हो गई है। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म कड़वा को 20 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था और फिल्म ने इस बजट के आंकड़े को आसानी से पार कर लिया है। बात करें फिल्म कड़वा की, तो फिल्म ने अपने डे 15 के अंदर 1 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। इसी के साथ फिल्म का अभी तक टोटल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 50.7 करोड़ का हो चुका है। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म अपने तीसरे हफ्ते में है। इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन और विवेक ओबेरॉय ने एक बेहतरीन अभिनय किया है। आपने फिल्म कड़वा देखी या ना देखी, कमेंट में राय जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म विक्रम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 50 के बारे में। बात करें फिल्म विक्रम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 50 की, तो फिल्म देखते देखते अपने ऐतिहासिक डे 50 को पूरे कर लिए हैं। बात करें फिल्म के डे 50 कलेक्शन की, तो फिल्म ने अपने डे 50 के अंदर 0.1 से लेकर के 0.2 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। इसी के साथ फिल्म का अभी तक टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 448.6 करोड़ का हो चुका है। दोस्तों फिल्म 3 जुलाई 2022 को सभी सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि फिल्म अपने कमाई करने के मामले में बड़ी बड़ी फिल्मों को टक्कर दे जाएगी। फिल्म तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस पर बाहुबली 2 और केजीएफ चैप्टर 2 जैसी फिल्मों को आसानी से टक्कर दे गई। दोस्तों फिल्म को ओटीटी पर रिलीज कर दिया गया है। आपने फिल्म देखी या ना देखी, कमेंट में राय जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म रॉकेटी द नाम भी फेट के बॉक्स ऑफिस क्रिएशन डे 21 के बारे में। बात करें फिल्म रॉकेटी द नाम भी फेट के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 21 की, तो फिल्म कमाई करने के मामले में एवरेज कमाई की है। जी हां दोस्तों, बात करें फिल्म रॉकेटी द नाम भी फेट की, तो फिल्म जाने माने साइंटिस्ट नामवी नारायण के जीवन पर आधारित है। फिल्म को आर माधवन ने डायरेक्ट किया है, वहीं प्रोड्यूस भी उन्होंने ही किया है। बात करें इस फिल्म की, तो फिल्म में लीड रोल भी वही निभा रहे हैं। बात करें फिल्म रॉकेटी द नाम भी फेट के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 21 की, तो फिल्म ने अपने डे 21 के अंदर 0.25 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। इसी के साथ फिल्म का अभी तक टोटल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 35.7 करोड़ का हो चुका है, जहां फिल्म का हिंदी से टोटल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 18.17 करोड़ का हुआ है। दोस्तों आपने फिल्म रॉकेटी द नाम भी फिर देखी या ना देखी, आपकी इस फिल्म पे क्या राय है, कमेंट में राय जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म 777 चार्ली डे 42 कलेक्शन के बारे में। बात करें फिल्म 777 चार्ली के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 42 की, तो फिल्म ने अपने डे 42 के अंदर 0.25 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। इसी के साथ फिल्म का अभी तक टोटल वर्ल्ड वाइड में नेट कलेक्शन 114.15 करोड़ का हो चुका है, जहां फिल्म का टोटल ऑल इंडिया से 103.05 करोड़ का नेट कलेक्शन हुआ है। वहीं फिल्म का ओवरसीज से 11.1 करोड़, वहीं फिल्म का टोटल कर्नाटका से 75.25 करोड़, वहीं आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना से 8.5 करोड़, केरला से 6.3 करोड़, वहीं हिंदी प्लस रेस्ट ऑफ इंडिया से 7.5 करोड़ का, तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस से 5.5 करोड़ का नेट कलेक्शन हुआ है। फिल्म काफी प्रभावित कर रही है। दोस्तों आपने फिल्म 777 चार्ली देखी या ना देखी, कमेंट में राय जरूर बताइएगा।